वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी स्टूडेंट्स, असीं कल दे लैक्चर दे विच आयनाइजेशन एनर्जी दे बारे पढ़िया सीगा, उहदे यूनिट्स, उहदा साइन, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, ते किहड़े किहड़े फैक्टर्स आ जिहड़े आयनाइजेशन एनर्जी नूं अफेक्ट करदे आ। टूडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फर्स्ट है बेटा अलोंग द पीरियड। You know that along the period की हुंदा असीं किद्दां मूव करदे हां, फ्रॉम लैफ्ट टू राइट। फॉर एग्जाम्पल असीं एक पीरियड कंसिडर करते हैं, लीथियम, बेरीलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अलोंग द पीरियड की हुंदा, एटोमिक नंबर इनक्रीज करदा। एटोमिक नंबर इनक्रीज करन दे नाल न्यूक्लियस दे विच नंबर ऑफ प्रोटोनस इनक्रीज करदे, बट इलैक्ट्रॉन सेम शैल दे विच एंटर हो रहे हैं। ठीक है, अलोंग द पीरियड साडे को पता सेम शैल दे विच एंटर हो ही जांदे इलैक्ट्रॉन, की होएगा न्यूक्लियस पुल वधेगी, उहदे नाल की होएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वधेगी, एटोमिक साइज छोटा हुंदा जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज सानू पता जिन्ना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज वधी जाएगा उन्नी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी वधी जाएगी। ठीक है, अलोंग द पीरियड फिर की होएगा, क्योंकि सेम शैल दे विच एंटर होने दे नाल इलैक्ट्रॉन जिहड़े एंटर होंदे आ साडे कोल जिहड़ा एटोमिक साइज़ है वह घटदा जांदा। एटोमिक साइज़ घटन दे नाल न्यूक्लियर चार्ज वधन दे नाल आयनाइजेशन एनर्जी वधेगी। इलैक्ट्रॉन ज्यों ज्यों असीं इधरों इधर नूं मूव करांगे, इलैक्ट्रॉन नूं रिमूव करना वेलेंस शैल दे विचों डिफिकल्ट हुंदा जाएगा। नैक्सट है बेटा डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप असीं किधरों किधर नूं मूव करने, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फर्स्ट ग्रुप कंसिडर करो हाइड्रोजन, लीथियम, सोडियम, पोटाशियम वाला, उहदे विच नंबर ऑफ शैल्स डाउन द ग्रुप की करदे आ इनक्रीज करदे आ। हाइड्रोजन तो इक्को ही है नंबर ऑफ शैल, लीथियम च दो है, सोडियम च तीन है, पोटाशियम च चार है। नंबर ऑफ शैल्स इनक्रीज करन दे नाल एटोमिक साइज इनक्रीज करेगा, एटोमिक साइज इनक्रीज करन दे नाल आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, बिकॉज साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यू कैन से दैट आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटोमिक साइज। क्लीयर है, अपोजिट है ट्रेंड दोनों दे विच, पीरियड ते ग्रुप दे विच। और एक गल बेटे याद रखनी है कि पीरियोडिक टेबल दे विच हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किदी है, हीलियम दी, किदी है हीलियम दी। हीलियम दी कॉन्फिगरेशन की है 1s2। ठीक है, क्योंकि एक तो देखो यदा एको शैल है, एन इज इक्वल टू वन है, बस देखो एको शैल होने साइज सब तो छोटा, और इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की है फुल है, फुली स्टेबल है, इस करके ये इलैक्ट्रॉन रिमूव करना वेलेंस शैल दे विच बहुत डिफिकल्ट होंगे। हम आप कंसिडर करते हैं पीरियड टू, जो उपर भी कंसिडर किया, एक्सपैक्टेड की होनी चाहिए, साढ़े को एक्सपैक्टेड जी आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड होना चाहिए। इधर न आयनाइजेशन एनर्जी वधनी चाहिए, असं पहला भी किया, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज वधदा आयनाइजेशन एनर्जी वधनी चाहिए है। बट रियालिटी की होंगे बेटा, रियालिटी की होंगे सूँ पता, सारे की कॉन्फिगरेशन लिख ले, 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, इस तरह कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन दे। बेरीलियम दी की है फुली फिल्ड है, 2s2 फुली फिल्ड है। ठीक है, नाइट्रोजन दी की है हाफ फिल्ड, 2p3 वेलेंस, आप कॉन्फिगरेशन देखनी, 2p3 हाफ फिल्ड है, 2p6 फुली फिल्ड है। ये करके की होंदा ये ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, फिर कितने की होंगे, बेरीलियम दी इत्थे चल जाएगी, नाइट्रोजन दी इत्थे चल जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन्हों की स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी, क्योंकि उस दिन भी आप गल किया कि जिनी ज़्यादा स्टेबल इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होएगी उन्ना ही औखा होएगा इलैक्ट्रॉन वेलेंस शैल दे विचों रिमूव करना। इस करके ये वालिया जड़िया इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वाली आर स्टेबल, स्टेबल होने के करके ये अपने तो अगे वाले मैंबर पर पहुँच चढ़ गया। इदा यदी जी होएगी आयनाइजेशन एनर्जी होनी की चाहिए सी इतों घट, बट इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल होने करके ये जड़ा यदि बढ़ जाती है। क्लीयर, यदि भी ये नालों बढ़ जाती। नैक्सट है बेटा पीरियड टू।
पीरियड 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਐਲਬੀਡੀਅਮ ਸਿਲੀਕਾਨ ਫਾਸਫੋਰਸ ਸਲਫਰ ਕਲੋਰੀਨ ਆਰਗਨ 11 ਤੋਂ 18 ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 3s2 एस ऑर्बिटल फुली फिल्ड एदी 3p3 हाफ फिल्ड बोर स्टेबल होएगी एदी इत्थे सल्फर तो बाद चल जाएगी फुली फिल्ड बोर स्टेबल एदी इत्थे चल जाएगी ठीक है ट्रेंड सिंपल होना चाहिए सी बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जिहड़ी स्टेबल होने के करके एदी अगे नूं चली जाती है क्लीयर है बेटा थैंक यू